happiness? What is happiness? Do you ever think? Your happiness is only depends on your relations. Whenever your relations are good, you will be happy. So, आपकी happiness की वजह ही आपकी good relations हैं। ये एक रिसर्च के दौरान पता चला है कि आपका हैप्पी होना और आप कितने लाइफ में अनहैप्पी होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके रिलेशंस पर कि आपके रिलेशंस कितने ज्यादा अच्छे हैं और कितने ज्यादा बुरे हैं। जब हम किसी भी बात को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और इसी की एक वजह है हमें एंजाइटी होने लगती है और इसी दौरान अगर कोई हमारा अपना हमारे मम्मा हमारे पापा या उनके अलावा जिनसे भी हम क्लोज हैं हमारे पास आते हैं हमसे पूछते हैं और हम उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो कुछ समय बाद हम अच्छा फील करने लगते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत आ जाती है। करीब 75 साल पहले हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ग्रांट स्टडी प्रोजेक्ट चलाया गया। आप जानते हैं किस लिए? खुशी मापने के लिए। यस, अब तक इससे लंबी स्टडी खुशियों पर कभी नहीं की गई थी। इन 75 सालों में 724 यानी 724 लोगों की रूटीन पर अध्ययन किया गया और इस रिसर्च में ये बात सामने आई कि जिनके रिश्ते अच्छे हैं उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा खुशहाल और स्वस्थ है। सबसे ज्यादा खुश लोग वही हैं जिनके लोगों से संबंध मधुर और अच्छे रहते हैं और जिनसे ज्यादा लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके विपरीत जिन लोगों के संबंध अच्छे नहीं हैं वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स में भी रहते हैं क्योंकि मुश्किलों में इनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता और सारा दर्द इन्हें अकेले ही झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो तो कोशिश करें कि आपके रिश्ते हमेशा सलामत रहे, कभी बिगड़ने न पाए, क्योंकि आप खुशियों में तो अकेले रह सकते हैं लेकिन गम में किसी के कंधे की जरूरत हम सभी को होती ही है। तो अपने रिश्तों को संजो कर रखें और अपनी खुशियों को बरकरार रखें क्योंकि ये दुनिया मैं से नहीं हम से चलती है।